Assalamu alaikum. Hope so you all are enjoying and taking advantage from my videos. Today, we'll work on the exercise of chapter number 2 using the scientific method by Daryl Bernard and Lon Edwards. Here, in this video, we have exercise questions with different statements. So, let's move towards them. Question number 1, and this is the most important question. How has the scientific method किस तरीके से साइंसी तरीके कार ने हेल्प्ड अस हमारी मदद की है इन अवर फाइट अगेंस्ट डिजीज बीमारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में साइंसी तरीके कार ने हमारी कैसे मदद की है एंड दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी गिवन लाइक दिस हाउ हैज साइंस इंप्रूव्ड अवर हेल्थ के साइंस ने किस तरह हमारी सेहत को इम्प्रूव किया है बेहतर बनाया है एंड हियर वी हैव इट्स आंसर The scientific method has helped us. साइंसी तरीके कार ने हमारी मदद की है a lot, काफी in our fight against disease, बीमारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में. It has helped us. इसने हमारी मदद की है in finding out the causes of diseases, बीमारियों की वजूहात को ढूंढने में and their prevention और उनसे खुद को महफूज रखने के तरीके कार ढूंढने में मेनी डिजीजेस बहुत सारी बीमारियां सच एज जैसे मिजल्स खसरा स्मॉल पॉक्स चीचक मलेरिया डिप्थेरिया खन्नाक एंड और इन्फ्लुएंजा नजला जुकाम वर वेरी कॉमन पास्ट में ये बीमारियां बहुत आम थी बट नाउ लेकिन अब साइंस हैज इनेबल्ड अस साइंस ने हमें इस काबिल बनाया है To make life-saving drugs. कि जिंदगी जैसे नेमत को बचाने के लिए हम मुख्तलिफ अदवायात और वैक्सीन्स बना सकते हैं Now babies are born in hospitals. अब बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं where जहां they are also treated to save from different diseases. उनका इलाज किया जाता है ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ना हो The scientific method has provided us with better sanitary conditions. Balanced food and better attitude to make us healthy. बीमारियों की वजूहात क्या है इनसे कैसे बचा जा सकता है इनके बारे में कौन सी वैक्सीन्स बनाई जा सकती है कौन सी अदवायात कैसे बनाई जा सकती है इन सब के साथ साथ साइंस की वजह से आज हमें बेहतर सैनिटरी सिस्टम बैलेंस्ड फूड और एक अच्छा सोचने वाला तर्ज अमल भी मिला है Question number 2, and this is important, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today. आज हमारे शहरों में जो सफाई का निजाम दस्तयाब है उस पर नोट लिखें and compare them with what they were like 100 years ago और इन conditions को उन conditions के साथ मवाजना करें, compare करें जो 100 साल पहले मौजूद थे. Its answer is, it is difficult to imagine. फर्ज करना भी मुश्किल है व्हाट सैनिटरी कंडीशन इन आवर सिटीज वर लाइक बिफोर 100 इयर्स अगो कि 100 साल पहले कौन सा और कैसा सफाई का निजाम मौजूद था बट लेकिन साइंस हैज हेल्प्ड अस इन दिस रिगार्ड साइंस ने इसमें भी हमारी मदद की है द सैनिटरी कंडीशंस आर बेटर नाउ अब हमारा सफाई का निजाम बेहतर है Then those were in the past, उन conditions से जो पहले past में मौजूद थे. Today, आज our city streets are paved, covered, पक्की हैं, well drained, पानी के निकासी का निजाम बहुत अच्छा है, and cleaned regularly, और इन गलियों को बकायदगी से साफ किया जाता है. Drinking water is pure, पानी पीने वाला पकीजा है, साफ है. Sewage is carried through sealed pipes to disposal plants, सारा जो गंदा मादा फाजिल मादा है उनको सील पाइप के थ्रू डिस्पोजल प्लांट्स पे लाया जाता है जहां पर उनको जाया किया जाता है इन द पास्ट लेकिन पास्ट में द सिटी स्ट्रीट्स वर नैरो गलियां तंग थी अनपेव्ड मींस अनकवर्ड कच्ची थी एंड पुअरली ड्रेन्ड और पानी की निकासी का निजाम भी अच्छा नहीं था ड्रिंकिंग वाटर वॉज पोल्यूटेड पीने वाला पानी भी गंदा था हीप्स होते हैं ढेर ऑफ गार्बेज कूड़ा क्रिकेट के ढेर could be seen everywhere. हर जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर दिखाई देते थे या देखे जा सकते थे So, इस क्वेश्चन में हमने प्रेजेंट conditions को past conditions के साथ कंपेयर करके आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन What आर द sanitary conditions लाइक इन our villages टुडे आज हमारे गांव में कौन सा सफाई का निजाम मौजूद है एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम और उस निजाम को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं
Most of villages present a very bad look even today. बहुत सारे गांव आज भी मौजूद हैं जिनकी conditions कुछ अच्छी नहीं हैं. The streets are still unpaved. गलियां अभी भी कच्ची हैं, narrow, तंग हैं and poorly drained. और पानी की निकासी का निजाम भी अच्छा नहीं है. Household garbage is thrown in streets. घर का कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है. Where ponds of dirty water and piles of garbage are seen. गंदे पानी के तालाब और कूड़ा करकट के ढेर दिखाई देने को मिलते हैं. These poor sanitary conditions can be improved. इन conditions को बेहतर बनाया जा सकता है by using scientific method, साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल करके. Situations may be improved a lot. इन conditions और situations को और बेहतर बनाया जा सकता है. If the city government pay attention to it, अगर उस शहर की हुकूमत वाकई उस पर ध्यान देती है. We should also set up sanitation departments everywhere. हर जगह sanitation departments introduce करवाने चाहिए, चाहे वो city हो या फिर वो गांव. Question number 4, and this is again the most important question of this exercise. How has the scientific method helped us? कैसे साइंसी तरीके कार ने हमारी मदद की है? In the production and preservation of foods, खाने की पैदावार में और उसको महफूज करने में साइंसी तरीकाकार ने कैसे हमारी मदद की है? और how has science produced more food? साइंस ने कैसे ज्यादा खाना बनाया है? और how has science helped us in preservation of food? खाने को महफूज करने में साइंस कैसे हमारी मदद करता है? And here we have its answer. Science has helped us a lot in improving our methods of production. खाने की पैदावार के मेथड्स को इम्प्रूव करने में साइंस ने हमारी काफी मदद की है. By using scientific methods, साइंसी तरीके कार का इस्तेमाल करके we grow more food and better food. हम ज्यादा और बेहतर खाना पैदा करते हैं. It has provided us. इसके लिए उसने हमें मुख्तलिफ चीजें दी हैं, जैसा कि एग्रीकल्चरल टूल्स, ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, बेटर सीड्स, अच्छी पैदावार रखने वाले बीज एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मकोड़े खत्म करने वाली अद्वयात. इट हैज इंक्रीज्ड द यील्ड, यील्ड पैदावार ऑफ द फील्ड्स, यानी कि खेतों की पैदावार इस तरह बढ़ी है टू मीट द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ताकि बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात और खाने की मकदार को पूरा किया जा सके. सो इस तरीके से खाने की पैदावार में इजाफा हुआ है. इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड अस इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय प्रोवाइडिंग अस क्विक फ्रीज मेथड एंड डिहाइड्रेशन. साइंस ने सिर्फ खाने की पैदावार में ही हमारी मदद नहीं की, बल्कि खाने को महफूज करने के लिए हमें ये दो मॉडर्न मेथड्स भी दिए हैं. मॉडर्न मेथड्स क्विक फ्रीज मेथड और डिहाइड्रेशन. नाउ अब फ्रेश फ्रूट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. अब हमें हर तरह का खाना पूरे साल में कभी भी मिल सकता है, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स की वजह से. Question number 5, and this is again the most important question. We are now, अब हम हैं, generally less fearful, आमतौर पर कम डरे हुए than our ancestors. यानी कि हम अपने अबाउजदाद की निस्बत कम डरे हुए हैं. What were our ancestors afraid of? किन चीजों से हमारे अबाउजदाद खौफ ज्यादा थे? इसी क्वेश्चन का सेकंड सेंटेंस आपको एक नई स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ हाफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है. व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ, क्योंकि हमारे अबाउजदाद खौफ ज्यादा थे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, कि हम अपने अबाउजदाद से कैसे मुख्तलिफ हैं. हियर वी हैव इट्स आंसर. Our ancestors were afraid of supernatural elements. Supernatural elements वो elements होते हैं जिनका कोई इस दुनिया में वजूद नहीं है, यानी कि मफूकुल फितरत. यानी कि हमारे अबाउजदाद ऐसी चीजों से खौफ ज्यादा थे जिनके बारे में कोई logical reasons नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है. They were superstitious. वो तोहम परस्त थे. तोहम परस्त मतलब के गलत बातों को मानने वाले थे. They believed in signs of good and bad luck. वो अच्छी और बुरी किस्मत के हवाले से कुछ साइंस, कुछ अलामते थे, उन पर यकीन करते थे. They were afraid of black cats. वो काली बिल्ली के रास्ता काटने से डरते थे. Broken mirrors, शीशे के टूटने से डरते थे. And the number 13, और नंबर 13 को
मनहूस मानते थे। दे वोर चार्म्स, चार्म्स होते तवीज, वो तवीज पहनते थे टू प्रिवेंट इवल, यानी कि बुराइयों से बचने के लिए। बट वी आर लेस फेयरफुल एंड मोर क्रिटिकल इन अवर थिंकिंग देन अवर एंसेस्टर्स। लेकिन हम अपने आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ हैं और उनकी निस्बत इन चीजों को कम मानते हैं और अपनी सोच में बहुत क्रिटिकल है, यानी कि बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं। द साइंटिफिक मेथड हैज मेड अस ब्रॉड माइंडेड एंड बोल्ड। साइंसी तरीकेकार ने हमारे दिमागों को वुस्सत अता फरमाई है और हमें ज्यादा बहादुर बनाया है। इट हैज रिमूव्ड ओल्ड फियर्स फ्रॉम अवर माइंड्स। ये जो पुराने ख्यालात, पुराने गलत अकायद थे कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से काम खराब होगा, शीशे के टूटने से काम खराब होगा, इन सारे वहमों को हमारे दिमागों से निकाल दिया है। Question number 6 is also important. How has the scientific method enabled us to get over the old fears? साइंसी तरीकेकार ने पुराने खौफ पर काबू पाने में हमारी कैसे मदद की है, और हाउ आर द सुपरस्टिशियस बिलीव्स बीइंग ओवरकम। ये जितने भी पुराने और जितने भी गलत अकायद थे उन पर कैसे काबू पाया जा रहा है, और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ न्यू डिस्कवरीज ऑन ह्यूमन एटीट्यूड। न्यू डिस्कवरीज की बदौलत इंसान का तर्ज अमल और इंसान के सोचने के अमल में कितना फर्क पड़ा है, और How science has made man open-minded? किस तरह से साइंस ने इंसान के दिमाग को वुस्सत अता फरमाई है? And here we have its answer. The scientific method has made us broad-minded and bold. Scientific methods की वजह से हमारे दिमागों में एक वुस्सत आई है कि हम चीजों के बारे में बड़ा deeply सोचते हैं, उनको observe करते हैं, उनके बारे में investigate करते हैं, और logically सही लगे तो हम उनको फॉलो करते हैं। इट हैज रिमूव्ड ओल्ड फियर्स फ्रॉम अवर माइंड्स। हमारे दिमागों में जितने भी पुराने खौफ थे हमारे एंसेस्टर्स की वजह से, वो सारे साइंटिफिक मेथड्स ने खत्म कर दिए हैं। इट हैज टॉट अस, इट मींस साइंस ने हमें सिखाया है दैट के देयर मस्ट बी अ साउंड बेसिस फॉर एवरी हैपनिंग, कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होती है। द सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। और अब इन गलत अकायद को अगर काबू पाया जा रहा है तो ये भी पॉसिबल हुआ है साइंटिफिक मेथड्स की वजह से। द न्यू डिस्कवरीज हैव क्रिएटेड एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। नई डिस्कवरीज की वजह से नई सोच का अमल हमारे सामने आया है। टुडे इवल स्पिरिट्स एंड फॉर्चून टेलिंग हैव नो इफेक्ट्स ऑन अवर लाइव्स। अब हमारी जिंदगियों में कि ये बदरूहों की वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, या हाथों की लकीरों को पढ़ाना है, या फिर होरोस्कोपी को फॉलो करना है, ये चीजें कम है। वी ओनली बिलीव इन थिंग्स सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। अब हम सिर्फ उस चीज को सही मानते हैं जिसकी दलील हमें साइंस भी देती है, साइंटिस्ट भी उसको सही मानते हैं, और इसके पीछे हमें लॉजिकल रीजंस भी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट। के माजी में, यानी के पास्ट में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ स्टार्स या होरोस्कोपी, के इल्मे फलकियात का इंसानों की जिंदगियों में क्या किरदार था। गिव एग्जांपल्स, इसके बारे में कुछ मिसालें दें। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स आंसर। इन द पास्ट, माजी में, पीपल बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग। लोग इल्मे फलकियात और किस्मत का हाल बताने पर यकीन करते थे। दे मीन्स एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ पास्ट पीपल, यानी कि इन दोनों का पास्ट पीपल पर बड़ा असर था। दे बिलीव्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन लाइफ। वो इस बात पर भी यकीन करते थे कि स्टार्स की मूवमेंट भी इंसानी जिंदगी को मुतासिर करती है। दे अरेंज्ड देयर फंक्शंस, मीटिंग्स एंड मैरिजेस अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, यानी कि वो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ही अपनी चीजों को प्लान करते थे। दे वर सुपरस्टिशियस, यानी कि वो वहमी लोग थे। दे बिलीव्ड इन साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक। वो मुख्तलिफ साइंस पर यकीन करते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13। और ये कुछ चीजें हैं जिनसे वो बहुत मुतासिर थे, जिनसे वो खौफ ज्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इम्पोर्टेंट। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन अवर कंट्री। कुछ सुपरस्टिशंस, यानी कि कुछ गलत अकायद बताएं जो आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। हाउ डू दे इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम। वो लोग जो इन चीजों पर यकीन करते हैं, ये चीजें उनकी लाइफ को किस तरह इफेक्ट करती हैं, किस तरह मुतासिर करती है। एंड इट्स आंसर इज सम सुपरस्टिशंस आर स्टिल प्रेजेंट इन अवर टाइम्स।
आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ गलत अकायद मौजूद है. सेवरल पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशंस लाइक ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर्स, सर्टेन बैड डेट्स एंड डेज एटसेट्रा. बहुत सारे लोग आज भी काली बिल्ली के रास्ता काटने, शीशे के टूटने और मुख्तलिफ डेट्स के बारे में गलत अकायद रखते हैं. दे स्टिल बिलीव दैट, वो आज भी यकीन करते हैं कि इफ अ क्रो कॉज ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, कि अगर एक कौवा उनके घर की छत पर बोलेगा तो आज मेहमान आएंगे. इवन टुडे सम पीपल थिंक दैट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स. आज भी कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि बीमारियां बदरूहों की वजह से हैं. वियरिंग ऑफ सम काइंड्स ऑफ चार्म इज स्टिल प्रैक्टिस्ड. आज भी कुछ किस्म के तावीज वगैरह पहने जाते हैं. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन सुपरस्टिशंस, उन फॉल्स बिलीव्स की जिन पर आज भी यकीन किया जाता है.